अस्सलाम वालेकुम, मेरे बेटे को मोहम्मद रियाज है और उनके ससुराल वालों कने आए तो उन्होंने जो है समा आज दिन से धमकी दे रहा था। आज एक साथ मिल के इन उसकी दुकान कने उसका सर फोड़ दिए, खैंची से मार दिए। फरजाना 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 बोले आली मारी साजिद और जो है समा उन्हें जावीद और जो है समा और एक शकील उसकी अम्मा बंडे लेके मारी, उसकी अम्मा भी और वो बुड्ढा भी। हाँ, इससे जने मिल के मारे, मेरे बच्चे का सर फोड़ दिए। और ये लगा दुश्मनी धमकी दे रहा था आठ दिन से उन्हें मेरे को बोल रहा था आके ऐसा बोल रहा। बोले तो मैं बोली जान दो बेटे नको होए, बोली मैं तो भी मैं आज लड़ाई निकाल के बच्चे को कोई भी नहीं है तो देख के इन उसकी दुकान कने खैंचियों से भैना मारे, उसके बंडों से सर फोड़ दिया उसका। और गेट पे आके भतरे मार रहे थे वो लगा, गेट पे धनाधन गेट पे मारे वो लगा उनके घर के ऊपर। हम लोग अंदर थे, इतना मारे वो लोग और पुलिस वाले कुछ भी करना उनके वास्ते में। हाँ, पूरे लेडीज थे हम घर में, हम कोई नहीं थे, एक बच्चे को देख के लोग पूरे जने मारे। और जो समा कुछ भी करना पुलिस वाले ये लोगों का, और इन्हें यार रहती भी नहीं वो फरजाना, यहाँ आके ये काम करी उन्हें। आप सैदाबाग में सपोटाबाग में रहती उन्हें, हाँ शादी हो गई उन्हें, यहाँ आके ऐसा करती मर्दों ऐसा लड़ती महल्ले में आके, हाँ पूरे महल्ले में लड़ती और खैंची से मारी और भतरों से मारी उन्हें पीछे से आके बच्चे को। हाँ, साजिद भी है सोमा, गांजा पीता पूरा नशा करता, फिर उसके बहना भी है सोमा और गली जात के लोग। अब क्या है बोले तो गली का नाम खराब होता बोल के हम अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया मैं। अभी ये क्या है बोले तो अब उन्हें बोलती मैं डॉक्टर हूँ ये हूँ बोल के उन्हें जाके सिटी में नाम लिखाई। फरजाना नाम है, अब उसकी और एक बहन है और एक इनकी अम्मा है, उसका बाबा चबूतरे पे बैठ के पीता पी के लुंगियाँ उठाता बतलाता। अब लेडीज निकलेंगे नहीं निकलेंगे, इससे पहले भी कैमरा पूरा इनकी गेट को मार दिया रजाक भाई की। फिर पड़ोसी थे हम भी, पड़ोसी रहने के बाद पड़ोसी का आ गए हम भी, वो बोले तो हाँ तुम कैसा बोलते बोल के सिटी में ले जाके नाम लिखा दी। साले बोने दोनों 1,00,000 रुपये दो बोल के, सिटी में भी है हमारा बैकग्राउंड, मैं बोला भी पहले उन्होंने भी आए थे साहब उनको भी वही बोला पड़ोसी। हाँ पूरे महल्ले वालों को तंग करते लोग, पूरा अमाम उन लोगों का वही है। अब उन्हें रगे उन्होंने रगे बोले तो इससे पहले भी बोले, बोलने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई अच्छे माई पाने पे होना, देखना किसका कसूर है किसका नहीं है, पूरा इंक्वायरी करके करना काम, उससे पहले नहीं कर सकते। अब बोले तो अच्छा नहीं दिखता, अब लेडीज है किसकी भी है फैमिली है, अब लोगों को बोले तो नहीं समझ में आ रहा, 10 बार बोले। अब उन्हें उठा के खैंची क्या मर्दुआ है खैंची मारने, उन्हें खैंची मार देती पीछे से, कैसा मारती औरत है ना। अब हमारे भी लेडीज है हम किसको बोलेंगे, अब हमारी लेडीज मारी नहीं मारती। फिर अब इन लोगों भी कॉपरेट करना चादरगढ़ वाले, उनकी कंडीशन कैसी है अभी हॉस्पिटल में टाके पड़ रहे थे। अब उन्हें अच्छा हुआ खुदा ना करता घुस गई, मर गया तो क्या होता था। हाँ उन्हें भी बाप बनने वाला है, अभी औलाद को नहीं देखने से पहले मर गया तो सोचना। अस्सलाम वालेकुम, हमारा भाई रियाज, हम लोग यहाँ पर पहले रहते थे, यहाँ पर अब थोड़े दिन हुआ हम लोग घर शिफ्ट करके, 6 महीने हो रहा, 6 महीने से हम लोग यहाँ से चले गए थे। यहाँ पर आके हमारे भाई को बाजू अड़ोस पड़ोस जो लोग थे, हमारा भाई का ससुराल घर के सामने था, बच्चा हम लोग सब मिलकर आए थे बच्ची से मिलने के लिए, उन्होंने प्रेग्नेंट है 9 मंथ्स अब उनकी डिलीवरी है आजकल में, तो उनको हम देखने के लिए आए थे। उसमें उन लोग लड़ाई निकाल के हमारे भाई को बच्ची ये जो बाजू वाले है देखिए फरजाना नाम है उनका, उन्होंने भाइयों को लेके आके मेरे भाई को शरीफ तरकारी वाले बोल के उनको पहचान बोलते हैं, और उन्होंने हमारे भाई को छुरियों से खैंचियों से बंडों से देखिए बच्ची लेडीज होके हमारे भाई के ऊपर हाथ उठाई, और हमारे भाई को पूरे जने मिलके चाकुआ वो बता रहे और उसको हमें 8 डेज से टॉर्चर कर रहे थे, आज उसको मार दिए माइके में आके मार दिए, बोल रहा था मार देता मार देता ससुराल आके। ये फरजाना साजिद और जावेद शरीफ और उन लोग हमको पड़ोसी होना, उन लोग अब तो हम लोग जाके जी नहीं नहीं दुश्मनी ऐसा कुछ भी नहीं थी, उन लोग हमेशा हम लोग के साथ ऐसे ही करते, उन लोग हर बार लड़ने के लिए आते, उन लोग हमेशा लड़ते ही रहते हम लोगों से। ये एग्जैक्टली टाइम मगरिब के बाद हुआ, और इसके फुटेज भी है जहाँ पर उन लड़े थे वहाँ का पूरा फुटेज है, आप लोगों को पूरा क्लियर बताएंगे। और खाली पीली बच्चे को नाहक के मार के सर फोड़ दिए, बाहेद नगर रोड नंबर 4 यूनुस की दुकान बल्कि मशहूर है, यूनुस की दुकान के सामने मारे वो लोग, बाहेद नगर ओल मलक पेट बाहेद नगर धमकी दे रहे थे जी। हम लोग कंप्लेन दिए हमारे भाई को,
चादरगढ़ पीएस में कंप्लेन दिए और उनको उस्मानिया लेके गए। अभी वहाँ उस्मानिया में उनका ट्रीटमेंट चल रहा, आएंगे बाद अब क्या होगा देखना। पुलिस वाले थोड़ा हम आपको सपोर्ट करे तो अच्छा आए। पहले भी अभी भी ऐसी कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, बोल मलकपेड़ वायद नगर में रहता हूँ। आज एक खाली उन्होंने गाली देने से बहस हुई, उन्होंने साजिद शकील और फरजाना और शरीफ और इनके वालदा, और ये छोटी बात पे लोग इतना बड़ा तमाशा करे। पूरी फैमिली मिल गए मेरे को, खैंचियों से कुराड़ियों से, इधर एक इधर खैंचियों से मारे, इधर कुराड़ी से मारे, इधर पत्थर से मारे, और ये भी साइड है पूरा पत्थर पूरा पेट को डैमेज कर दिया ला मार के। बात नहीं बात की तुमने खाली इतना बड़ा तमाशा करे लोग। और ये साजिद बोलने वाला एकदम गंजटी है, घर कने बुला के रोज़ कोने कने गड़ा के गांजे पीता, लोगों को बुला के गांजे बेच रहा। अब यहाँ उस्मानिया को गया था मैं हॉस्पिटल को, जाके आया, आए बाद यहाँ एस आई साहब को बोला तो एस आई साहब क्या बोल रहे हैं, सुबह में आओ 10 बजे तक आओ, मैं तुम्हारा को FIR कॉपी देता हूँ, उसके बाद केस बुक करेंगे। नहीं लिए अभी, एक घंटा ठहरो दो घंटे ठहरो बोल के बोल रहे हैं मेरे को। कौन बोल रही है? एस आई साहब बोल रहे हैं। क्या नाम है? एस आई का नाम नहीं मालूम मेरे को। अभी है अंदर? हाँ अंदर है, चादरगाट PS। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, कंप्लेन देने आए तो कल सुबह में 10 बजे आओ, नहीं तो एक दो घंटे बाहर ठहरो, बाहर ठहर के दो घंटे से आके दियो, ये बात कर रहे हैं लोग। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई? मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे को इंसाफ होना। वो फरजाना नाम की जो बच्ची है ना, एकदम गलीज है, और होल मलकपेट वायद नगर और लोगों की तरकारी की दुकान है, सैफा मस्जिद के पास दुकान है उनकी तरकारी की, शकील बैठते दुकान पर वो, और वो फरजाना जो है ना बहुत गलीज औरत है, और वो लेडीज इतनी बेहूदी है, मेरे को छुरियाँ मतलब खैंची लेके मारी मेरे को, तो सोचो आप अंदाज़ा दूसरों को क्या कर सकती हो। वो लेडीज़ बहुत गलीज है फरजाना नाम की, और मुंह की जबान इतनी गंदी है, अरे से हट के बात नहीं करती। मेरे पास वो एक प्रूफ भी है जो हम लोग का पहले केस हुआ था वो चल रहा था, वो भी है मेरे पास। इतने बेहूदे अल्फाज यूज़ करती बच्ची वो बात करने के टाइम पे, अरे हट निकल तेरी माँ तेरी बहन, ये बात करती बच्ची। अब PS को आए चादरगाट को, पुलिस वाले बोल रहे हैं एक दो घंटे में कंप्लेन लेते होने तो सुबह 10 बजे आओ। देखो जान से मार दिए तो कौन जिम्मेदार होते हैं उसको, कौन जिम्मेदार होते? उन्होंने कुछ भी नहीं बोल रहे हैं सही साहब, दो घंटे से आओ नहीं तो सुबह में आओ। भाई सुबह तक क्या, दो घंटे में मेरे को जान से मार दिए तो कौन जिम्मेदार होते? और उन लोग किसको किसको की बोले हुए, 3 लाख दिए 5 लाख दिए तेरा मर्डर करा देते। वो फरजाना बुरी सा और क्या नाम है वो साजिद बच्चा बोल रहा, वाजिद शकील है, इलाहा बोल रहे मर्डर करा देते, 5 लाख दिए 10 लाख दिए बोल रहे। वजह कुछ भी नहीं है भाई, वो थी पार्किंग की लड़ाई, उसके बाद से अब तक गली में नहीं आना, तू कौन है इधर कहीं को आ रहा, ये बात से लड़े हो रही। मेरा घर वहीं से, मेरा ससुराल भी वहीं से, मैं नको जाऊँ? अरे जाएंगे बोले तो लोग आने को जाने को घूर के बहस कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। साहब और अकबर साहब से गुजारिश है कि आप लोग ज़रा कोऑपरेट करिए, उन लोगों के से हम लोग बहुत वो हो गया, हर चीज़ से गाड़ियां रखे तो प्रॉब्लम, हर चीज़ से परेशानी हो गई उन लोगों से। प्लीज़ आप लोग ज़रा कोऑपरेट करिए हम लोगों के साथ, आप लोग का सपोर्ट रहे तो अच्छा। होम मिनिस्टर कमिश्नर साहब आपसे भी गुजारिश है, आप ज़रा हम लोगों की मदद करिए, ये बहुत हो गया। घर में हम लोग के लेडीज़ ही रहते, सुबह में चले गए तो रात में आते, ये लोगों का मौके का फ़ायदा उठा ले रहे उन लोग, घर में लेडीज़ ही रहते बोल के ऐसा एक बार हुआ। पूरी बस्ती गवाह है, पूरी बस्ती को मालूम है लोग कैसे है क्या है, हर चीज़ हर किसी से यही हो गया उन लोगों का लड़ना करना। अब आप हर बस्ती वाले से पूछ ले सकते हो उन लोगों कैसे है क्या है। अब ये हो गया ना, अब हम लोग ये PS में डाल दिए तो अब हम लोगों को धमकी दे रहे, अब तुम लोग घर दिए ना, अब देखो तुम लोगों का क्या करते क्या करते। आप लोग तो हम लोगों को सपोर्ट होना ज़रा, आप लोग हम लोग को देखिए, हम लोग